नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केळकर हॉस्पिटल, जो अकोला में है, महाराष्ट्र में है। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लाया हूँ, उसमें मैं आपको हमारा जो काम है उसके बारे में बताने वाला हूँ। हमने हाल ही में नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो है केळकर मानस रिहैबिलिटेशन सेंटर, मतलब पुनर्वसन केंद्र या व्यसन मुक्ति केंद्र। ये अकोला में ही स्थित है। इसकी कैपेसिटी, जो इनटेक कैपेसिटी है, वो अप्रॉक्सीमेटली 100 बेड्स की है। 100 बेडेड हॉस्पिटल है। इसमें पुरुष और महिलाओं के लिए स्पेशल अलग अलग जगह है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ये सोचा कि ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, जिनमें स्किजोफ्रेनिया की बीमारी आ जाती है, साथ ही में ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, MR होते हैं, या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, या ऐसे कुछ पुरुष है या स्त्री है जो वयोवृद्ध हो चुके हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है। ऐसे पेशेंट्स जिनको संभालना अपने फैमिली वालों को बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसे लोगों को संभालने के लिए हमने हमारा पुनर्वसन केंद्र रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया है। बेसिकली इसमें हम स्किजोफ्रेनिया, डेमेंशिया के पेशेंट्स या मेंटल रिटार्डेड पेशेंट्स, और उसी के साथ में अल्कोहल डी एडिक्शन के पेशेंट्स रखते हैं। इसमें होता क्या है कि जब ये पेशेंट्स अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस्ड इमोशंस रहता है दोनों के बीच कि कंटिन्यूसली उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं, लगातार थ्रेटनिंग होता है, एक मेक को ब्लैकमेल करते हैं, आत्महत्या करने की कंप्लेंट्स करते हैं। तो ऐसे ये कंटिन्यूसली झगड़े और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ऐसे वक्त हम पेशेंट को बताते हैं कि हम रिलेटिव्स को बताते हैं कि आप आपके पेशेंट को हमारे रिहैब सेंटर, जिसका नाम है केळकर मानस रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसमें आप एडमिट कीजिए। और इसमें मिराकुलस रिजल्ट्स हमको मिले हैं। मिराकुलस रिजल्ट्स मतलब ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे, एब्यूजिव होते थे, गाली देते थे, धिंगाना करते थे, ऐसे पेशेंट्स तुरंत ही 1 से 2 महीने में हमारे रिहैब सेंटर में पूरी तरह अच्छे हो गए। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि उनको जो बाद में दवाई हमने कंटिन्यू करने को बोला और उन्होंने बाद में दवाई ली, लेकिन जो उनको बीमारी के प्रति इंसाइट आया, उनको समझ में आया कि दवाई लेना बहुत ही ज़रूरी है, वो हमारे रिहैब सेंटर में रहने के बाद ही उनको समझ में आया। ऐसा ये हमारा रिहैब सेंटर है। साथ में जो बड़ा स्पेक्ट्रम है, जो जिन पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं, वो है अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए। जो लोग व्यसन मुक्ति के लिए एडमिट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल का व्यसन यानी शराब का व्यसन, तंबाकू, गांजा या कोकेन, हीरोइन, ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यसन हैं जो व्यसन करने के कारण पेशेंट उसके अधीन हो जाते हैं और फिर उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसे लोगों को भी हम एडमिट करते हैं। हम मैक्सिमम 3 महीने पेशेंट को एडमिट करते हैं या कम से कम 1 महीने तक भी एडमिट करते हैं। ये जो डी एडिक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड फेमस है, हर जगह ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हम ये पेशेंट्स को एडमिट करके 3 महीने रखकर पेशेंट पूरी तरह भी अच्छा हो सकता है। करंटली अभी हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 45 पेशेंट्स एडमिटेड है, उसमें करीब करीब आधे लोग डी एडिक्शन के लिए एडमिटेड है और आधे लोग बाकी के बीमारी के लिए एडमिटेड है। ये जो हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये विदर्भ में यूनिक सेंटर है। ऐसे गिने चुने, उंगलियों पे गिनते आए ऐसे सेंटर्स है जो पूरे महाराष्ट्र में अवेलेबल है, उसमें हमारा ये मानस रिहैबिलिटेशन सेंटर उपलब्ध है। इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल, पेशेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल है, और पेशेंट को वो और उनके रिलेटिव्स को ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये जो मानस रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इसके बारे में जो बची हुई जानकारी है, मैं अगली वीडियो में आपके दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।